नया गांव रामपुर पंचायत की प्रत्याशी किरण देवी की हार के बाद उनके समर्थकों ने बुधवार को इन्हें 727 जाम कर दिया। वो ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही हैं। प्रत्याशी के समर्थकों का आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर उनके प्रत्याशी को हराया गया। उन्होंने मतगणना में भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है। समर्थकों ने पंचायत चुनाव को रद्द करने की मांग की है। एक समर्थक ने आरोप लगाया क्योंकि वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बार बार ईवीएम को खोला जा रहा है। प्रशासन इस वीडियो की पुष्टि करे कि ये कहां का वीडियो है। लोगों का आरोप है कि नया गांव रामपुर की ईवीएम को खोला गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई और जानबूझकर हमारे प्रत्याशी को हराया गया है। परेशानी हम लोग के साथ यही हुआ कि जिस बूथ पे हम लोग वोट दिए हैं, वो तो हम लोग का कहां गया। 100 वोट हम लोग जनता पब्लिक वहां पे वोट किया है और वहां पे 5 वोट दिखा रहा है, वो वोट कहां गया। चुनाव या तो खा गया, नहीं तो हमारी सरकार खा गया, नहीं तो प्रशासन खा गया, नहीं तो जो वहाँ प्रत्याशी है वो पैसा दिया है और उसके साथ जो जीते हुए प्रत्याशी के साथ अनलीगल किया गया है और जीते हुए प्रत्याशी भरा है। ये चुनाव आयोग का गड़बड़ी है, नहीं तो हमारे देश की। रामपुर पंचायत के सभी जनपद किरण देवी पति नीरज यादव को वोट दिया था, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी करके और दूसरे विरोधी पार्टी को जिता दिया गया। और देखिए हमारे साथ कितने पब्लिक खड़े हैं, सारे।